चल बॉम्बे मेरी। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो हेलो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आगे भी बढ़िया रहे, और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अलाइट मोशन का बहुत ही वायरल प्रोजेक्ट देने वाला हूँ। और आप लोगों ने इंट्रो में देख के अब तक कर लिए होंगे कि आज का जो है कैसा होने वाला है टेम्पलेट, ठीक है? तो अगर आप लोग भी अपने फोटो का इस प्रकार का स्टेटस बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक बताने वाला हूँ, और मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट भी करके बताना कि ये आपको कैसा लगा, ठीक है? सो गाइज, ऐसा स्टेटस बनाने के लिए आपके पास 5 मिनट समय होना चाहिए, एंड गाइज आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए अलाइट मोशन, ठीक है? तो अगर आपके पास ये एप्लीकेशन पहले से नहीं है तो आपको इजीली मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन करके आप लोग प्रो वर्जन डाउनलोड कर सकती हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं अलाइट मोशन को ओपन कर लेता हूँ। और दोस्तों आज का जो यहाँ पे टेम्पलेट है वो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो ये गाइस प्रोजेक्ट है आज का। तो गाइस यहाँ पे एडिटिंग कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना हो, आपको एक और भी प्रीसेट मिलेगा जिसमें गाइस आपको सेक इफेक्ट वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। तो ये भी आपको डाउनलोड कर लेना है। सो गाइस डाउनलोड जैसे ही कर लोगे तो यहाँ पे देखते हैं आपको 3 लेयर मिलेगा स्टार्टिंग में, ठीक है? तो नीचे आपको देखते हैं आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे गाइस इस पर क्लिक करना है, इधर आपको कॉपी लेयर कर लेना है, ठीक है? कॉपी करने के बाद गाइस आपको उसी टेम्पलेट में आ जाना है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे आपको गाइस यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट में बिट मार्क मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्लिक करना है और इसी बटन पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है? और यहाँ पे गाइस जो मेरे चैनल का नाम है इसको यहाँ से क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी मैं रहने देता हूँ, आप लोग डिलीट कर लीजिएगा। और इसके बाद गाइस जो हम लोगों ने यहाँ पे लेयर जो ऐड किया गाइस, तो इसको आपको 7 सेकंड तक एक्सटेंड करना है, ठीक है? जिससे कि गाइस यहाँ पे आप लोग देखते हैं इस बीट मार्क तक आ जाना है। यानी कि गाइस यहाँ पे जो शॉर्ट यहाँ पे बीट मार्क दिखेगा ना, सिर्फ एक लॉन्ग यहाँ पे बीट मार्क रहने देना है। यहाँ तक आपको इस बटन पे क्लिक करना है, इस पे, और इस बटन पे क्लिक कर देना तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है? सो अभी बात रही है जो यहाँ पे येलो कलर आप लोग देख रहे हैं, इसको अगर आप लोग चेंज करना चाहोगे तो कर सकते हैं, ठीक है? उसके लिए यहाँ पे इसी पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे कलर एंड फिल मिल जाएगा, ठीक है? इस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे जो येलो है गाइस इसमें आप लोग कुछ भी यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मुझे यही अभी बनाना है तो मैं येलो ही रहने देता हूं। तो दोस्तों कलर वगैरह सेलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पे आपको लिरिक्स लिखना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सॉन्ग यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं, किसी भी सॉन्ग में आप लोग बना सकते हैं, ठीक है? मैं एग्जांपल के लिए ये सॉन्ग अभी लिया हूँ। तो यहाँ पे लिरिक्स कैसे लिखना है, आपको फर्स्ट बीट मार्क तक आ जाना है, ठीक है? तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे गाइस मैं लिरिक्स लिख लेता हूँ, आप लोग भी यहाँ पे सॉन्ग को सुन के लिरिक्स लिखना है, ठीक है? तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फटाफट। सो गाइस यहाँ पे देखते हैं मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा है। अभी आपको एडिट टेक्स्ट में क्लिक करना है, और यहाँ पे गाइस जो आपको रोबोटो रेगुलर दिख रहा है जो भी है मुझे नहीं पता, इस पर आपको क्लिक करना है। ये फॉन्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, ठीक है? तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो देखते हैं 18pt जो लिखा हुआ है इसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही करोगे गाइस इसको यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देना आपको, ठीक है? और यहाँ पे गाइस जो कलर इसका ग्रे है ना, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और इसको ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो है टेक्स्ट को इसी प्रकार से लिखना है लिरिक्स, और उसके बाद हमें यहाँ पे अगला लिरिक्स लिखना है, ठीक है? तो गाइस ये वाला लिरिक्स आपको यहाँ तक लिखना है, नेक्स्ट बिट मार्क तक, यहाँ तक लाने के गाइस इस पर क्लिक करके बस सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फिर गाइस हमें अभी क्या करना होगा, इसी को गाइस हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे चलिए कॉपी लेयर और नेक्स्ट बिट मार्क से आगे यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। फिर गाइस यहाँ पे हमें गाइस लिरिक्स आपको लिखना है, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग जो नेक्स्ट यहाँ पे बिट मार्क से आगे जो पार्ट है इसको ट्रिम कर देंगे, और यहाँ पे गाइस हम लोगों ने लिरिक्स लिखना है यहाँ पे जो नीचे सॉन्ग चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे गाइस तुम्हारे बिन यहाँ पे होगा दीवाने का। तो गाइस यहाँ पे आपको देखते हैं लिरिक्स का स्टार्टिंग में आपको कैपिटल लेटर देना है, ठीक है? तो अच्छा आएगा इफेक्ट। तो इसके बाद यहाँ पे चलिए मैं राइट क्लिक कर देता हूँ। फिर गाइस हम लोगों ने जो कॉपी किया था इसके आगे में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बिट मार्क तक आ जाना है और लिरिक्स पे क्लिक करके आगे तक यहाँ पे एक्सटेंड कर देना है। सो यहाँ पे लिरिक्स चेंज करना होगा सॉन्ग के हिसाब से। तो चलिए मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, ठीक है? तो चलिए मैं यहाँ पे एडिट टेक्स्ट में जाऊँगा और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या हाल है भाई क्या। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं मैंने यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिख दिया, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको कर लेना है कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद गाइस इसको भी यहाँ से फिट कर देना है। और इतना कर देने के बाद गाइस अभी आपको क्या करना है, सभी का यहाँ पे आपको डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है? तो इस पर क्लिक करेंगे गाइस, यहाँ पे क्लिक करना, सबसे ऊपर आपको डुप्लीकेट लेयर मिलेगा तो डुप्लीकेट कर देना है। फिर गाइस इसको भी यहाँ से डुप्लीकेट लेयर क्लिक कर देना है।
फिर गाइज इसको भी यहाँ से आपको क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर बना लेना है। सो गाइज बस इतना काम करने के बाद अभी आपको करना क्या होगा, नीचे जो आपको देखते हैं यहाँ पे एक जो रहेगा गाइज इस पर आपको क्लिक कर देना है और एडिट टेक्स्ट में जाना है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे मतलब फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है। इसके लिए आपको और एक फॉन्ट मिल जाएगा वेडिंग का, तो वेडिंग का आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे गाइज आपको पूरा का पूरा यहाँ पे रिमूव कर देना है टेक्स्ट, ठीक है। और फॉन्ट को हम लोगों को लेके आ जाना है नीचे और कोई भी यहाँ पे देखते हैं अलग अलग फॉन्ट आपको मिल जाता है जो भी टेक्स्ट यहाँ पे दबाओगे, ठीक है। और उसके बाद इसका जो पीटी यहाँ पे है इसको आपको फुल कर देना है और अभी देखते हैं गाइज कुछ इस प्रकार से टी से सॉरी वाई से कुछ इस प्रकार का यहाँ पे इमोजी आया है, तो इसको गाइज यहाँ पे आपको बीच में सेट करना है, ठीक है। अगर इसका साइज थोड़ा छोटा करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। देन गाइज आपको क्लिक कर देना है राइट क्लिक और अभी गाइज देखते हैं इसका गाइज इफेक्ट आ चुका है। अभी आपको यहाँ पे आना है, इसमें भी गाइज आपको सेम एडिट टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे वेडिंग का फॉन्ट यूज कर लेना है, इसको लेके आ जाना है नीचे और बाकी का यहाँ पे टेक्स्ट रिमूव कर देना है। और यहाँ कुछ गाइज जैसे कि 1, 2, 3 में भी अलग सा इमोजी आएगा तो उसको लगा लेना है। और अभी इसका भी पीटी यहाँ पे चलिए बढ़ा देते हैं गाइज और यहाँ पे राइट पे क्लिक करके इसको बीच में एडजस्टमेंट कर लेंगे। लिरिक्स में गाइज अभी इफेक्ट अप्लाई करना होगा, तो इफेक्ट कहाँ से लाएंगे गाइज, इसके लिए मैंने प्रीसेट दे रखा है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे जो मिक्स टेक हिंदी यहाँ पे मिलेगा इस पे क्लिक कर देना है, इफेक्ट्स में जाना है एंड गाइज 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे कॉपी इफेक्ट कर लेना है। फिर से गाइज आपको उसी प्रोजेक्ट में जाना है, सॉन्ग प्रोजेक्ट में जैसे कि इसमें जिसमें हमें लिरिक्स लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद गाइज आपको दोनों में यहाँ पे इफेक्ट्स में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। और नीचे जो इमोजी का यहाँ पे डुप्लीकेट फॉन्ट था गाइज इसी में भी आपको पेस्ट कर देना है दोनों में, ये आपको याद रखना है। तो फटाफट से चलिए पेस्ट करते हैं। तो ये लिरिक्स का काम हो चुका है ख़त्म, अभी हम लोगों ने यहाँ पे फोटो लगाना है। तो अपना फोटो लगाने के लिए गाइज यहाँ पे नीचे आपको प्लस का आइकन पे क्लिक कर देना है, इमेज पे जाना है। यहाँ पे गाइज आप लोग कोई भी इमेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं करस्मिका का ही इमेज यूज कर लेता हूँ फिलहाल। तो मैं सिलेक्ट करूँगा इमेज को, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और इतना हो जाने के बाद अभी आपको यहाँ पे आ जाना है आगे और नेक्स्ट बिट मार्क तो आपको आ जाना है, फोटो पे क्लिक करना है, इस बटन पे क्लिक करना है, यहाँ से एक्सटेंड कर लेना है। सो गाइज अभी आपको देखते हैं यहाँ पे बहुत सारा फोटो लगाना है, चलिए मैं और एक फोटो लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे बिट मार्क में क्लिक करना है और मीडिया पे जाना है और एक फोटो में यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया, देन गाइज आपको एक बार इस एरो पे क्लिक करना है, आगे का पार्ट ट्रिम कर लेना है। तो यहाँ पे बहुत सारा फोटो लगेगा, इतना मैं लगाने जाऊँ तो अभी से सुबह हो जाएगा। तो चलिए मैं फोटो लगाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा ट्यूटोरियल। एक मिनट भाई साहब, ये तो मैं बॉयज़ के लिए स्पेशल बनाया था, यहाँ पे मैंने लिखा भी था देखते हैं यहाँ पे बॉयज़ एटीट्यूड प्रोजेक्ट, बट गाइज मैं यहाँ पे पता नहीं गर्ल्स में और बॉयज़ में फ़र्क लगाता भी हूँ या फिर नहीं, मैं यहाँ पे गर्ल्स का इमेज लगा दिया, बट कोई नहीं हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। गाइज ऐसा भी नहीं है, ये तो यहाँ पे जो है गर्ल्स भी अपने इमेज डाल के यहाँ पे बना सकते हैं स्टेटस, बट गाइज अभी मेरा यहाँ पे मोटिव है कि मैं यहाँ पे बॉयज़ के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं चलिए फोटो को चेंज करता हूँ सबसे पहले। सो मैं यहाँ पे काफ़ी साल बाद फाइनली फोटो सारा लगा ही चुका हूँ, ठीक है। तो आपको भी इस प्रकार से जितना भी यहाँ इमेज चाहिए होगा उतना आपको लगाना होगा। सो गाइज इसमें टाइम लगेगा बट यहाँ पे आपको इमेज तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो गाइज इमेज वगैरह हो जाने के बाद अभी आपको इमेज में यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई करना होगा, ठीक है। सो इफेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे इसके लिए मैंने आपको प्रीसेट दिया है, तो उसमें आपको चली जाना है। सो गाइज इस प्रीसेट में आने के बाद यहाँ पे दो यहाँ पे सेक इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपको फर्स्ट वाला सबसे पहले कॉपी करना है, इफेक्ट्स में जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। इस प्रोजेक्ट में आने के बाद गाइज आपको फर्स्ट इमेज में आ जाना है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है जैसे कि यहाँ से फर्स्ट इमेज, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे आने के बाद आपको जो पहला इमेज दिखेगा गाइज इसमें आपको क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। तो इफेक्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इफेक्ट पेस्ट हो जाएगा बट यहाँ पे इफेक्ट वगैरह अच्छे से नहीं आएगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखते हैं टाइल शिफ्ट का जो आपको इफेक्ट मिलेगा इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑफसेट आपको मिलेगा गाइज इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसको गाइज इंक्रीज करेंगे तो इधर आएगा और माइनस करेंगे तो इधर आएगा, ठीक है। तो आपको इसको गाइज यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सेंटर कर देना है, ठीक है। सेंटर कर दोगे तो इफेक्ट बहुत ही अच्छा आएगा। गाइज सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है। जैसे कि इसमें हम लोगों ने भी इफेक्ट अप्लाई किया तो इसको छोड़ देंगे, यानी कि एक इमेज छोड़ के इसमें हम लोग अभी ये वाला इफेक्ट पेस्ट करेंगे। इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और अभी गाइज देखते हैं इसमें हो गया, इसको फिर छोड़ देंगे गाइज और आगे वाले इस पर क्लिक करके इसमें पेस्ट कर देंगे। सो इस प्रकार से आपको इसमें गाइज लास्ट तक एक फ़ोटो छोड़ छोड़ के अगले फ़ोटो में आपको पेस्ट करते जाना है। सो इसमें हम लोगों ने पेस्ट किया, इसमें गाइज नहीं इफेक्ट पेस्ट करना है, आगे वाले इस पर
पेस्ट कर दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं इसमें जैसे मैंने इफेक्ट अप्लाई किया तो यहाँ पे देखते हैं बहुत ही खराब आ रहा है, ठीक है। तो इफेक्ट यहाँ पे सही करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे टाइल शिफ्ट में क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ऑफसेट में क्लिक करना है और इसको यहाँ से माइनस कर देना है और सेंटर में आपको इफेक्ट कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा। सो गाइस पहला इफेक्ट आपको लास्ट तक इसी प्रकार से पेस्ट करना है, एक इमेज छोड़ के एक इमेज आगे वाले पे, ठीक है। सो गाइस पहला इफेक्ट हो जाने के बाद अभी आपको बैक जाना है उसी प्रीसेट में और यहाँ पे लास्ट का एक यहाँ पे देखते हैं ये वाला से इफेक्ट जो बचा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, इफेक्ट्स में जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको बैक जाना, जैसे कि इसमें अप्लाई किए थे इसमें छोड़ दिए थे, ठीक है। तो बाकी जितना भी यहाँ पे इमेज है जिसमें कि इफेक्ट नहीं है तो उन सभी इमेज में आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको यहाँ तक आ जाना है, ठीक है। जो यहाँ पे हम लोगों ने जहाँ से इमेज स्टार्ट किया है यहाँ पे आने के बाद बीट मार्क में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एक इफेक्ट अप्लाई करना होगा गाइस। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे शैडो ऐड करना है, ठीक है। तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो इसके लिए प्लस के आइकन पे जाना है गाइस, यहाँ पे मीडिया पे क्लिक कर देना है, तो ये वाला शैडो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है गाइस। ऐड करने के बाद आपको करना क्या होगा, इधर आपको देखते हैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिल जाए, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, इसको इस प्रकार से रोटेशन कर लेना है, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। उसको अगर इसका साइज थोड़ा सा आपको बड़ा कर देना है, इसको लेके आ जाना है आपको नीचे कुछ, तो इसको एडजस्ट जैसे कर लोगे तो इसको आपको लास्ट तक जाना होगा, ठीक है। लास्ट तक ले जाने के लिए आपको लास्ट आ जाना है और उस PNG पे क्लिक करके गाइस एक बार इस बटन पे क्लिक करना है तो लास्ट तक चल जाएगा, ठीक है। तो अभी गाइस हमें क्या करना होगा, आपको और एक यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको फिर से स्टार्टिंग में आना है गाइस, जहाँ से वीडियो स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आना है आपको, प्लस का आइकन में जाना है, तो यहाँ पे गाइस आपको और एक यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई करना होगा ये वाला, ठीक है, स्मोक इफेक्ट, इस पर आपको आ जाना है और स्मोक इफेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और इसका गाइस साइज थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। बढ़ाने के बाद आपको इसको लेके आ जाना है एकदम से नीचे और नीचे जैसे ले आओगे गाइस अभी आपको आना है यहाँ पे ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करने गाइस लाइटिंग, लाइटिंग के बाद यहाँ पे स्क्रीन का ऑप्शन भी मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इतना कुछ हो जाने के बाद गाइस अभी आपको लास्ट तक जाना है और यहाँ पे जहाँ तक शैडो है इमेज है हमारा वहाँ तक आपको आना है उस बीट मार्क तक, ठीक है। और अभी गाइस देखते हैं स्मोक का जो लेंथ है काफ़ी ज़्यादा है तो इस पर आपको राइट क्लिक करके आगे का यहाँ पार्ट डिलीट कर देना है। सो अभी हमारा स्टेटस हो चुका है रेडी, इसके लिए यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।